हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करेंगे सिमेट्री, सममिति। मतलब जितने भी क्रिस्टल सिस्टम हैं तो उसमें ये सममितियाँ पाई जाती हैं। तो ये सममिति आखिर होती क्या हैं, इनका यूज़ क्या है, तो ये सब देखेंगे। तो आज हम देखेंगे कि किसे हम सममिति कहते हैं क्रिस्टल में, और ये जो सममिति है कितने प्रकार के होते हैं, तो और ये कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो ये सब देखेंगे। तो सममिति क्या होता है कि हमारा जितना भी क्रिस्टल सिस्टम है, जितना भी क्रिस्टल पाया जाता है, तो उसमें जितने भी हमारे क्या हैं, फलक हैं, किनारे हैं, सॉलिड एंगल हैं, ठीक, तो ये सब की एक निश्चित क्रम में क्या पाई जाती है, व्यवस्था पाई जाती है। और इसका क्या क्या पाया जाता है, इनका वितरण, ठीक, एक निश्चित नियम के तहत हम लोग का ये सब मिलता है, ठीक। तो इसी को ही कहा जाता है हम लोग का क्या, सममिति। मतलब कि हमारे क्रिस्टल में जो भी जियोमेट्रिकल जो अरेंजमेंट जो पाया जाता है, जिसके कारण कि हम लोग का जो फलक हो गए, किनारे हो गए, संपीड कोण हो गए, इसका क्या होता है, पुनरावृत्ति होता है, या तो फिर ये एक निश्चित क्रम में क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। तो इसी को कहा जाता है क्या, सममिति। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ परिभाषा मैंने लिख दिया है हिंदी वालों के लिए कि किसी भी क्रिस्टल में उपस्थित फलक, किनारा, संपीड कोण की व्यवस्था एवं वितरण में निश्चितता होती है, यही क्रिस्टल की सममिति कहलाती है। मतलब कि आप किसी भी क्रिस्टल को ले लीजिए, जैसे कि ये हमारा एक क्या हो गया, क्यूबिक क्रिस्टल हो गया। तो इस क्यूबिक क्रिस्टल में जो भी हमारा ये फलक फलक है, ये किनारे हैं, और ये जो संपीड कोण है, तो इनकी जो व्यवस्था है, यहाँ पाया जाना, यहाँ पाया जाना, यहाँ पाया जाना, यहाँ पाया जाना, ठीक, जैसे संपीड कोण की बात करें तो, और इनका वितरण कि ये जो है संपीड कोण, ये चार ही क्यों मिल रहे हैं, पाँच, छः, सात, आठ, यहाँ पर देखिए, हाँ ठीक है, नीचे भी, तो ऊपर के फलक में चार संपीड कोण ही क्यों मिल रहे हैं, ठीक, और नीचे भी चार संपीड कोण क्यों मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से इनके वितरण में भी क्या होती है, एक निश्चितता होती है, ठीक। तो ये जितने भी हमारे क्या हो गए, फलक हो गए, किनारे हो गए, संपीड कोण, तो इनकी क्या होती है, एक निश्चित व्यवस्था होती है। और साथ साथ में किसी भी क्रिस्टल में कितने ये फलक होंगे, किनारे होंगे, संपीड कोण होंगे, तो इसका वितरण भी एक निश्चित मतलब नियम के तहत एक क्या होता है, निश्चित होता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, क्रिस्टल में हम उस क्रिस्टल की सममिति कहते हैं, ठीक। तो ये क्लियर हो गया होगा कि किसी भी क्रिस्टल में जितने भी हमारे फलक, किनारे, संपीड कोण कि ये जो व्यवस्था एवं वितरण निश्चित होती है, इसी को हम क्या कह देते हैं, सममिति कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो सममिति पाया जाता है, ये एक निश्चित नियम के कारण ही में ही बनता है, ठीक। तो ये जो सममिति है, हम क्रिस्टल में अलग अलग प्रकार से पढ़ते हैं। तो हमारा जो क्रिस्टल है, तो उसमें ये जो सममिति है या तो फिर सिमेट्री है, ये तीन प्रकार की सममिति पाई जाती है। तीन प्रकार के क्या, सिमेट्री पाए जाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला सममिति का नाम है आप लोग का क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री, जो कि सब में पाया जाता है। सबसे पहला क्या आता है आप लोग का, सेंटर ऑफ सिमेट्री, या इसी को हिंदी में कहा जाता है क्या, सममिति केंद्र, सममिति केंद्र, या तो केंद्रीय सममिति भी बोल सकते हैं। और सेकंड कौन सा समिति पाया जाता है, सेकंड समिति पाया जाता है आप लोग का क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक। प्लेन ऑफ सिमेट्री को क्या कहते हैं हम लोग दूसरे नाम से हिंदी में, इसको कहते हैं सममिति तल के नाम से जानते हैं, इसे हम जानते हैं सममिति तल के नाम से। और नेक्स्ट जो आता है आप लोग का, वो आता है आप लोग का लास्ट नंबर क्या, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री को क्या नाम से जानते हैं हिंदी में, सममिति अक्ष के नाम से। तो ये तीन प्रकार की सममितियां हमारे क्रिस्टल में पाई जाती हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये जो तीनों सममिति के प्रकार जो मैंने बताया है, ये किसी
एक क्रिस्टल में तीनों के तीनों प्रकार के सम्मिति पाए ही जाएंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किसी जो कोई क्रिस्टल सिस्टम है या तो फिर जो कोई क्रिस्टल है तो उसमें कोई दो सम्मिति पाए जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हो गया हम लोग का क्या, एक नॉर्मल सम्मिति के बारे में। अब इसी के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री किसे कहेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री किसे कहेंगे और एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, किसे कहेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हम लोग का क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, या सम्मिति केंद्र। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री की जो परिभाषा है तो वो एक बिंदु की सहायता से दी जाती है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि एक बिंदु, तो सब इसको डायग्राम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा कोई क्या, क्रिस्टल। अब सेंटर मतलब होता है केंद्र। ठीक, तो अब किसी भी क्रिस्टल में हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब कि केंद्रीय सम्मिति या सम्मिति केंद्र शब्द का यूज कर रहे हैं, तब उसके बारे में हम लोग क्या बोलेंगे। तो कोई भी क्रिस्टल जिसके केंद्र में मान के चलिए कोई एक क्या हो गया, बिंदु उपस्थित है। अब इस बिंदु से अगर हम लोगों को समान ऊंचाई पर, जैसे कि ये हो गया ऊपर के साइड में, यहाँ गया तो यहाँ तक आया तो इतना ऊंचाई में मेरे को ये फलक मिला, और उसके बाद में सेम इसी हाइट पे या तो इसी डिस्टेंस पे नीचे की ओर जाने पे मेरे को सेम क्या मिला, सेम प्रकार का फलक मिला सेम दूरी पे, तब और इसके बाद में जैसे ज़रूरी नहीं है कि सब डायरेक्शन में मिले आपको, किसी एक डायरेक्शन में मिल सकता है, और ये मेरे फ्रंट में गया और ये बैक में गया। ठीक, तो इस प्रकार से मेरे को केंद्र से जब मैं क्या करता हूँ, समान दूरी पर जा रहा हूँ, तो मेरे को समान प्रकार का दोनों फ्रंट साइड और उसके बैक साइड में या तो फिर उसके ऊपर और नीचे सेम प्रकार का क्या मिल रहा है, फलक मिल रहा है, या तो फिर बोल सकते हैं कि सेम प्रकार का क्या, फलक किनारे सॉलिड एंगल ये सब मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ देख लीजिए ये केंद्र हो गया, अब इस केंद्र से एक मैं काल्पनिक मान के चलिए 2 सेंटीमीटर की दूरी पे गया, तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पे मेरे को ये फलक मिला। तो इस फलक की विशेषता क्या है, यहाँ मेरे को कितने चार क्या मिल रहे हैं, एज मिल रहे हैं या तो किनारे मिल रहे हैं, एक किनारा, दो किनारा, तीन किनारा और चार किनारा। ठीक है, तो चार किनारे मिल रहे हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसी केंद्र से एक काल्पनिक 2 सेंटीमीटर नीचे जाता हूँ, तो जब 2 सेंटीमीटर में नीचे जाता हूँ तब मेरे को सेम ऊपर जो फलक मिला था सेम उसी प्रकार का फलक मेरे को क्या मिल रहा है, नीचे में मिल रहा है, और इसकी विशेषता क्या है, सेम ऊपर के जैसे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग का चार किनारा मिला था और मेरे को कितने, 1 2 3 4 किनारे मिले थे। ठीक, और कितने मेरे को मिले थे सॉलिड एंगल अर्थात कि संपीड कोण, ये भी 4 मिले थे, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और ये 4। तो सेम प्रकार का यहाँ पर भी मेरे को 4 किनारे मिले, 1 2 3 और 4, और सेम संपीड कोण मिल रहे हैं 4। तो इस प्रकार से जो चीज मेरे को ऊपर मिला था वही चीज नीचे मिल गया, और जो तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, एक केंद्र को परिभाषित कर रहा है। ठीक, तो इस केंद्र से जब हम लोग समान दूरी पर जा रहे हैं दोनों दो अलग अलग दिशाओं में, तो सेम प्रकार का क्या मिल रहा है, फलक किनारा और ये सब का क्या मिल रहा है, रिपीटिशन मिल रहा है, मतलब कि उसका पुनरावृत्ति मिल रहा है। तो जब किसी क्रिस्टल में इस प्रकार से पुनरावृत्ति वाले या तो फिर सेम प्रकार के फलक या तो फिर सॉलिड एंगल वाले जो भी हमारे पाए जाते हैं फेस, तो उसी को कहा जाता है हम लोग का क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री की परिभाषा किसके सहारे दी जाती है, एक बिंदु की सहायता से। उसके बारे में क्या बताएंगे आप लोग कि सेंटर ऑफ सिमेट्री जब किसी क्रिस्टल के केंद्र में अगर हम लोग क्या मान लेते हैं, एक कोई केंद्रीय बिंदु मान लेते हैं, और उसके समान दूरी पे हमें को दो अलग अलग दिशाओं में सेम प्रकार का फलक किनारा सॉलिड एंगल अगर हम लोगों को मिलता है, तब उसे ही कहा जाता है क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री का। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसमें कि हम क्या कर लेते हैं, एक बिंदु की कल्पना कर लेते हैं और इसमें एक स्ट्रेट लाइन खींचने की कल्पना कर लेते हैं, मतलब कि आपका सेम डिस्टेंस वाला
हम लोग एक लाइन का इमेजिन करते हैं एक बिंदु के होते हुए।